हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज हम त्रिकोणमिति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे हल करेंगे जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा फ्रेंड्स आपके सामने यह क्वेश्चन लिया गया है कि साइन थीटा बराबर एक बटा के कड़ी दो तो अन्य पांच त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए फ्रेंड्स अन्य पाँच त्रिकोणमिति अनुपात जो आपको ज्ञात करना है किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है यहाँ पर आपको सिंपल तरीक़ा से सिखाएंगे फ्रेंड्स देखिए आपको तो पहले साइन थीटा का फार्मूला पता होगा देखिए यहाँ पे थीटा बराबर फार्मूला होता क्या है थीटा थीटा बराबर फार्मूला फार्मूला होता होता है 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 कि बटा बटा के कर, ठीक बटा के ठीक अब देखिए का मान कितना दिया है हो जाएगा कड़ी दो यहां पर लिख लीजिए बराबर कितना होगा फ्रेंड्स एक और कड़ बराबर कितना होगा फ्रेंड्स आपका कर दो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लम का मान पता है आपको कर्ण का मान पता हो गया फ्रेंड्स जब भी आपको अन्य पाँच त्रिकोणित अनुपात ज्ञात करना होता है वहाँ पे आपको तीन भुजाएं पता होना चाहिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको लम पता है कर्ण पता है यहाँ पे आपको आधार नहीं पता है तो उसे आपको पता करना पड़ेगा तभी आप जाके पाँच त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कर पाएंगे तो यहाँ पर आधार को ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स आपको पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला पता होना चाहिए चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पाइथागोरस परमे होता क्या है यहाँ पे लिखते हैं गोरे प्रमेय फ्रेंड्स पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला होता है आपका होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लम्ब का स्क्वायर ठीक देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कर्ण का मान कितना दिया है कड़ी दो तो यहाँ पे कड़ी दो लिख लीजिए आप कड़ी दो का स्क्वायर आधार का मान पता करना है तो आधार यहाँ पे आप रहने दीजिए इसी प्रकार प्लस लंब का स्क्वायर का मतलब एक है तो यहाँ पे एक का स्क्वायर कर लेंगे देखिए फ्रेंड्स कड़ी दो का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा है? कि जब कड़ी पे स्क्वायर होता है तो कड़ी मतलब ये कड़ी स्क्वायर से खत्म हो जाती है यहाँ पे मान कितना आ जाएगा दो आएगा यानी कि यहाँ पे आधार का स्क्वायर लिख लेंगे प्लस एक का स्क्वायर कितना होता है एक अब क्या करेंगे फ्रेंड्स एक को पच्छांतर करेंगे जब एक को पच्छांतर करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे क्या है प्लस एक है तो इधर आएगा तो माइनस एक हो जाएगा आधार का स्क्वायर अब देखिए फ्रेंड्स दो में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा एक बचेगा और बराबर लिखेंगे आधार का स्क्वायर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लिखा है आपका आधार का स्क्वायर यहाँ पे आपको स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का रूट लेना पड़ेगा देखिए एक का रूट कितना होता है फ्रेंड्स निकालेंगे तो एक आएगा यहाँ पे आधार का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार आपका निकल जाएगा बाहर यानी कि आधार का मान कितना पता चला फ्रेंड्स? एक यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए आधार आधार बराबर हो गया एक यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स तीन भुजाएं आपको पता चल गया लंब पता चल गया कड़ पता चल गया आधार पता चल गया तो आप अन्य पांच को अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं देखिए आपके सामने पांच त्रिकोणित अनुपात लिखा गया है यानी कि देखिए साइन थीटा का मान तो पहले से आपको पता है ये सवाल में दिया है यहाँ पे अन्य पांच त्रिकोणिति का मान हो गया कि कास्ट थीटा का मान ज्ञात करना है टैन थीटा का ज्ञात करना है कोशेक का ज्ञात करना है सेक का ज्ञात करना है काट का ज्ञात करना है तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर निकालते हैं पहले काश का निकाल लेते हैं इसके बाद टैन का निकालते हैं कास्ट थीटा का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स आपको पता होगा कि आधार बटा के कड़ होगा ठीक है देखिए यहाँ पर आधार अपन कर्ण ठीक है ये फार्मूला होता है फ्रेंड्स आधार बटा के कड़ कास्ट हिटा का देखिए फ्रेंड्स आधार का मान कितना है यहाँ पे देखिए आधार का मान एक है तो यहाँ पे एक लिखेंगे और यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कड़ का मान कितना है कड़ी दो तो कड़ी दो लिख लीजिए यानी कि आपको मान पता चल गया कास खा। का कास्ट खा, इटा का मान कितना होगा एक बटा के कड़ी दो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर टेन का निकालना है तो टेन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कितना होता है फ्रेंड्स लम बटा के आप लम्बटा के आधार होता है ये फार्मूला सब आपको पता होना चाहिए देखिए लम्बटा के आधार यानी कि लंब देखिए यहाँ पे एक है तो यहाँ पे एक लिखेंगे आधार कितना एक है तो यहाँ पे एक लिख लेंगे यानी कि आपका टन कितना हो गया एक बटा के एक अर्थात आप इसको एक भी लिख सकते हैं आंसर में एक भी आंसर लिख सकते हैं ठीक है अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं देखिए फ्रेंड्स साइन थीटा का यदि आपको मान पता है तो इसका अपोजिट सिर्फ कर दीजिए साइन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा यानी कि कर्ज दो ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा यही आपका इसका आंसर होगा देखिए यहाँ पर लिखिए कास्ट हीटा का क्या हो जाएगा कास्ट हिटा का सेक मतलब सेक दिया है यानी कि काश्त का अपोजिट सेक होता है इसका फार्मूला यदि लिखना चाहते हैं तो सिर्फ इसी को अपोजिट कर दे यानी कि करड़ को ऊपर कर लीजिए और आधार को नीचे कर लीजिए ठीक और एक बटक कड़ी दो है तो इसको क्या लिख सकते हैं कड़ी दो बटाख एक कहने तात थीटा का तात्पर्य एक कास्ट ठीटा का अपोजिट क्या होता है सिप यानी कि कास्ट ठीटा के जितना मान पता और चलता है उसका अपोजिट यानी कि एक बटक कड़ी दो है तो कड़ी दो बटाख एक कर लेंगे देखिए इसी तरह काठ ठीटा की याद करना है तो काट ठीटा का फार्मूला यानी टेन ठीटा के लंब बटा का आधार होता है तो इसका फार्मूला हो जाएगा आधार बटा के लंब हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर कितना लिख सकते हैं एक बटा के एक यानी कि एक इसका भी मान होगा तो इस प्रकार से अन्य त्रिकोमिति अनुपात फ्रेंड्स सिंपल तरीका से ज्ञात कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें